हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निसर्ग और मेरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं KGF के थीम म्यूजिक वॉकबैंड ऐप पे कैसे बजाते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरा इसका डिटेल ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जाएंगे मल्टी ट्रैक सिंथ में, न्यू सॉन्ग। यहाँ पे हम नेम चेंज कर लेंगे। मेजर सिलेक्ट करेंगे और BPM 100। मेजर से हमने 30 सिलेक्ट कर लिया है, ओके दबा देंगे। और यहाँ से हम BPM को बढ़ा के 105 तक कर देंगे। अभी सबसे पहले हम इसका बीट्स तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम प्लस के आइकॉन पे टैप करेंगे, ड्रम मशीन, और ड्रम मशीन में इंस्ट्रूमेंट लेंगे हम EDM किट। तो अभी हमें बीट कौन सा चाहिए, ये वाला। तो इसको हम सारे बीट्स को इसके सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम BPM को 105 कर देंगे। तो आप प्ले करके देखिए कि यह कैसे सुनाई दे रहा है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ मैं। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे, बैक आ जाएंगे। तो अभी हमें ये यहाँ पे जो 2 लिखा है वहाँ तक हमें इसको कट कर दे रहा है। स्प्लिट दबाएंगे और यहाँ से ये डिलीट। तो हमें स्टार्टिंग का कुछ टाइम मिल जाएगा बजाने के लिए। तो अभी हम इसका सेकंड बीट तैयार करते हैं। तो उसके लिए प्लस के आइकॉन पे कीबोर्ड में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में हम लेंगे स्ट्रिंग्स, और अबे इतना ही कीबोर्ड का पार्ट चाहिए। तो अभी हमें कैसे बजाना है वो आप देख लीजिए, स्लो में दिखाता हूँ। अगर जो मतलब नॉर्मली कैसे बजेगा ये, अगर जो आपको ऐसे बजाने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसको मत बजाइए, सीधा यही बजाइए। तो स्लो में देखिए एक बार, नॉर्मल बजाना है तो आपको। आपको जम रहा है तो ऐसे बजाइए, अगर आपको नहीं जम रहा है तो ऐसे बजाइए। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मेट्रोनोम को ऑन कर देंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। कर देंगे, बैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा सेकंड लेयर भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हम इसमें और एक ट्रैक ऐड करेंगे जो कि बजेगा गिटार में, और गिटार में हमें ये वाला इंस्ट्रूमेंट ले लेना है। आप देख लीजिए एक बार ये वाला,
ओवर ड्राइव, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमें इसमें कैसे बजाना है वो आप देख लिया, इसको पकड़ना है और फिर इसको इसमें राइट में लेके जाना है। ऐसे हमें बजाते रहना है। तो स्लो में देखिए, तो आप सिंगल बार टैप मत करना, आप इसको पकड़ के रखना और ऐसे बजाना। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं, बैक आ जाएंगे। तो अभी हमें ये दोनों हमने जो बजाया है उसका ट्रैक वॉल्यूम हमें कम कर देना है। तो इसका ट्रैक वॉल्यूम हम 50 से कम कर देंगे और इसका वॉल्यूम 43 हमने किया था इसका, तो इससे इसका उससे भी कम कर देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे 3 लेयर बन चुका है। अभी हम बजाएंगे इसका मेन ट्रैक। कीबोर्ड में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट में लेंगे हम, कोटो, कोटो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लेंगे। और अभी हमें इसमें कैसे बजाना है वो आप देखिए, स्लो में दिखाता हूँ पहले। फिर से बाद में सेम रिपीट करना है। और एक बार स्लो में देखिए, अभी हम जो ये बजाते हैं तो वो हमें फास्ट बजाना है, कैसे ऐसे। तो नॉर्मली हमें कैसे बजाना है वो आपको मैं बजा के दिखाता हूँ। तो अभी हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। आप चाहे तो इसका और कंटिन्यू रिपीट कर सकते हैं, ये ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए मैंने इतना ही आपको बजा के दिखाया। अगर जो आप इसको और कंटिन्यू रिपीट करते जाएंगे तो वो सेम ही है। तो अब इसका जो ट्रैक वॉल्यूम है हम थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ कम हो गया था, 53 कर देंगे और इसके भी वॉल्यूम को हम 40 तक कुछ कर देंगे और इसके वॉल्यूम को हम फुल कर देंगे। तो अभी हमें सिर्फ एक लास्ट ट्रैक ऐड करना है जो कि है ड्रम पैड में, और ये बजेगा हमारा इन्वर्टर
किट में। तो अभी इंस्ट्रूमेंट में हमें चाहिए ये और ये। अभी हमें कैसे बजाना है वो देखिए, नॉर्मल बीट्स है ऐसे, ऐसे दोनों साथ। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और आप रिकॉर्डिंग के साथ देख लीजिए। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे, बैक आ जाएंगे। तो हमारा इतना बनकर रेडी हो चुका है। तो हमें इतना ही बजाना था, इतने ही हमें ट्रैक्स ऐड करने थे। तो हम यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे, सेव एडिटिंग ओके करेंगे, इसको हम MP3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। आपने देख लिया कि हमने बजा लिया था इतना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। थैंक यू।